नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी वर्णकार में, फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। लोक देवता की सवारी देव नारायण। राजस्थान के लोक देवता देव नारायण भगवान की साधना, किस प्रकार के मंत्र जाप कर सकते हो, किस प्रकार से आप इनकी कृपा दृष्टि पा सकते हो। गुरु गोखना नाम का मेरा चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। जिनके ये कुल देवता निकलते हैं उन लोगों के लिए है। राजस्थान में इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। राजस्थान में आप इनको जो है पूछ सकते हो। मान्यता के अनुसार राजस्थान में इनका जो भोग है वो एक प्रकार से नहीं दिया जाता। लोग अपनी समर्थता के अनुसार कुछ कढ़ाइयाँ देते हैं, कुछ चावलों का भोग लगाते हैं, जब कुछ अन्य व्यंजनों का, कुछ फल फ्रूटों का भी भोग लगा देते हैं ना, कुछ जो है शादी विवाह के बाद इनके ऊपर धोख लगाते हैं। यानी कि इनके पास जाकर एक बोलते पधियाड़ी बोल सकते हैं या यात्रा बोल सकते हैं, देकर आते हैं। इनकी साधना कैसे करनी है? रुद्राक्ष की माला के ऊपर देसी घी का आपने एक दीपक लगाना है। दीपक प्रज्वलित करके आपने मंत्र जाप करना है। जो मंत्र बता रहा हूँ, दो तरह से मंत्र है। एक मंत्र छोटा है, ठीक है, उस मंत्र का भी आप जप कर सकते हो। तो उसके अलावा आप जो है इनका शावर मंत्र, उस मंत्र का भी अनुष्ठान कर सकते हो। मंत्र पढ़ने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो कर्म है वो कर्म आपको गुरु के सानिध्य में ही करना है। जो भगत इनकी कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं उनके लिए ओम नमो देव नारायण सर्व मनोरथ पूर्ण अंत दुख भंजनाय भोज नंदनाय नमो नमः। नमो देव नारायण सर्वत्र सदा सहायकम भक्तान नाम भय भंजनम भोग मोक्ष फलदायकम ओम नमो देव नारायण नमो नमः। तो आप छोटा मंत्र भी जप सकते हो, ओम नमो देव नारायण नमो नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। ये आपकी ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति ने गुरु बना रखा है, गुरु महाराज से आज्ञा लेके ही इस मंत्र का प्रयोग करें। मंत्र आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देख लें और इस मंत्र को अच्छे से समझ लें। उच्चारण सही होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए यही मंत्र आपको जो है मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट करें। और मंत्र जाप जो है वो पूर्ण रूप से गुरु की कृपा दृष्टि में होता है। और दूसरी बात, ये साधना पूर्ण रूप से आप जो है कुछ दिनों तक करेंगे, लेकिन साधना का एक और नियम होता है कि कोई साधना आपने अगर करनी है तो साधना के लिए गुरु का होना अति आवश्यक है। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि साधना के दौरान आप लोगों को कई प्रकार के अनुभव आएंगे। उन अनुभवों को समझने के लिए योग्य गुरु की आपको सहायता लेनी पड़ती है। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करना और गुरु गोखना चैनल को सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रही है।